बठिंडा बहुत कहानियां कुंदिया ने, कुछ काल्पनिक कुछ हकीकी। ना दी भी गुंजल घेरी है कदों किवें ते कित्थों तक। तय करदे हां ओपेरा हाजी रतन दी दरगाह तो किला मुबारक तक लंबा चौड़ा सफरनामा। पटरिंद तो आगाच फिर तिरभांडनपुर तबर हिंद पाटिया बठिंडा बठिंडा तो लैके बठिंडा तक कुछ भी हो गई, पर इन्हां नावां च किते ना किते पट्टी राजपूतां दी गोत पट्टी दा जिक्र जरूर हुंदा है। जिवें पटरिंद पट्टियां दा जंगल आखदे ने कि बठिंडा दे मोढ़ी बालानंद दे पुत्तर पट्टी राव ओ सन। ओही भट्टी राव ने जेडे 279 च पंजाब दे हाकम बने सन। लाहौर म्यूजियम च एक पत्थर है जेड़ा हाजी रतन दी दरगाह तो मिलिया सी 1880 च। पंजाब दे लेफ्टिनेंट गवर्नर रॉबर्ट इगटर नू नागरी लिपि च संस्कृत बोली च लिखिया है 19 लाइना ने। 1931-32 च काफी हद तक पढ़िया गया सी ओह पत्थर। भारतीय पुरातत्व विज्ञानी राय बहादुर दयाराम उन्होंने पढ़िया सी, ना लिखिया सी किसे राजे दा, राजा शत्रुघ्न देव। शहर दा नाम ही लिखिया सी, ना सी तिरभांडनपुर। हो सकदा है ओही तिरभांडनपुर होवे जिस नूं अजकल आखदे ने बठिंडा। चलो आगाज करते हैं लखी जंगल तो। हाजी रतन बाबा रतन जां रतन पीर मुस्लिम जगत च जिक्र हुंदा है। पैदाइश बठिंडा दी सब तो पुरानी दरगाह। पुरानियां पैड़ां फालदे हां बठिंडा दे तरीकारां दी। वक् वक् ख्याल ने उन्हां दे। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने लिखिया कि हाजी रतन दी उम्र 500 साल दी सीगी। सरदार नरेंद्र धीर उन्होंने पीर का वक्त 1000 से 1200 दस्या। पंडित करतार सिंह दाखा उन्होंने 875 से 1632। संत विशाखा सिंह ने लिखा है कि उन्हें अपनी दरगाह 900 के करीब बनवाई सी। वैसे एक ख्याल यह भी है कि बाबा रतन ने गोरखनाथ जां मछंदरनाथ तो योग लिया सी। इस दी पोथ रतन भी छपी है। कई कलमकार जिहड़े है वह इन्हां नूं सूफी भी मनदे ने ते मालवा इतिहास ते भी जात मार लईए। उहदे मुताबिक बठिंडा दे राजा पिरथीपति गणराज ब्राह्मण वजीर सी रतन लाल। कोई कारण बनिया ते देश निकाला दिता। बगदाद दे खलीफे तो इस्लाम कबूलिया हज कीता ते बन गए हाजी रतन। किते कदाई ए भी दर्ज है कि हाजी रतन जंगल च बंदगी करदे सन। एक बारी उन्हां नूं कुछ मुस्लिम फकीर मिले। उन्हां मशवरा दिता मक्का मदीना दा हज करो। हज कीता मुड़ जंगल च आके आबाद हो गई। वैसे उम्र काफी हो गई सी ते एक दिन श्री गुरु नानक देव जी नूं मिले। उदार करन दी बेनती कीती। 10 जन्मां बाद उदार करन दा वचन दे के गुरु जी रवाना हो गए। 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी उन्होंने भी अपील कीती, पर गुरु जी का हुक्म सी इंतजार करो। फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पधारे ते उन्होंने उदार किया सी हाजी रतन का। जिथे गुरु साहब ने घोड़ा बनिया सी वो दरख्त भी है हरा भरा वन दा दरख्त। गुरुद्वारा साहब भी है उत्थे ते नाल ही है हाजी रतन दी दरगाह। बाबा हाजी रतन सब तो पुरानी दरगाह। चूने नाल उकरिया मकबरा कलम नवीसां दी बहुत तकड़ी खोज। दरगाह दी सफेदी बारे 25 रमजान 1011
यानी 26 जनवरी 1603 नवाब जबारी खान की गवर्नरशिप च शेख दाऊद ने हाथी करवाई सी सफेदी। दूसरा 1 मुहर्रम 1023 1 फरवरी 1614 गिरधारी लाल उपल दे पुत्र बिदचंद। तीजा 1 जिलहिजा 1052 10 फरवरी 1643 राय टोडरमल की वजारत जोगी दास सिकदार की निगरानी। तो चौथा 1719 नवाब शहदाद खान का हुक्म मुहम्मद अफजल ने करवाई सी दरगाह की सफेदी। एक होर किस्सा बड़ा रोचक, जदों भारतीय पुरातत्व सर्वेखण की असिस्टेंट सर्वेयर HBW गैरिक बठिंडे आए 1883-84 च, उन्हें बड़ा रोचक गिनिया सी, क्यों? मुस्लिम मकबरा, सफेदी कराने वाले च हिंदू। हैरान हुई, पर यह कोई हैरानी वाली गल नहीं सी, यह आम हुंदा है। शायद मुलक दा कोई अजिहा पिंड जा फिर शहर होवे जिथे मुस्लिम पीर की मानता ना होंदी होवे, भावें उत्थे कोई मुस्लिम होवे जा ना, पर हिंदू ते सिख पूरा सन्मान दिंदे ने। फरीदकोट ही देख लो, बाबा फरीद जी दे पवित्र चरण शोभ प्राप्त, उत्थे मुस्लिम भाईचारे दे लोग तो बहुते नहीं है, पर दरगाह ते हरेक धर्म दे लोग वड्डी गिनती च झुकदे ने। कारण कारण यही है कि पीर फकीर किसे धर्म जा फिरके दे नहीं हुंदे, ओह हुंदे ने सब दे सांझे। हुण किले वल जात मारदे आ, पहला जिहड़े भी कबीले जा हमलावर आए ने वह उत्तर पछम वालों ही आए ने। दिल्ली की गद्दी वैसे तो काफ़ी अरसा हो गया, 1004-05 दौरान जदों महमूद गजनवी ने शहर जीते, उन्हें च भाटिया भी सी। कई हिस्टोरियन भाटिया ही बठिंडा समझते सी। अगर मध्यकाली फारसी ग्रंथ देखिए तो तबर हिंद का भी जिक्र आता है। 13वीं सदी के आगाज वक्त किताब सी जामी उल हिकायत, उस आया जिक्र बठिंडे का। फिर तारीखे मुबारक शाही अकबरनामा जां रचना तबकात ते अकबरी, उन्हें च भी जिक्र आता है। मुहम्मद गोरी ने भी जितया सी 1191 च, ते पृथ्वीराज चौहान ने भी। कुछ होर खंगाल दें, 1045 राजा विजय राव का वक्त, महमूद गजमनी का हमला 1090-91 तक मंगल राव दे किले ते। फिर मुहम्मद गोरी का हथ, पृथ्वीराज चौहान का कब्जा, भरा पट्टा राव नू गवर्नर बनाया। फिर मुहम्मद गोरी, उस दी मौत तो बाद सिंध दे कबाचा हवाले, कई किलेदार बने की सूरी की तैमूर, पर 22 जून 1706 यही किला तीर्थ बन गया जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरण पए, पवित्र चरण। एक हफ्ता 1843 महाराजा करम सिंह गुरु जी की याद च गुरुद्वारा साहेब बनवाया ते किला किले का नाम रख्या गोबिंदगढ़। एक होर जिक्र करते हैं सुल्तान खिजर खान दे वक्त दा, उन्हां दे पुराने सरदार सैयद सलीम, बड़ी दौलत अनाज ते होर भी बहुत कुछ जमा कीता, पर होया कि 1430 च मौत। फिर ओही सारा धन दौलत वगैरह सुल्तान मुबारक शाह सैयद ने वंडता खान दी औलाद च, पर उन्हां नूं तसल्ली ना होई ते उन्होंने गुलाम फलाद तुर्क बचा उकसाता, विद्रोह तो करना ही सी, उन्हें 3.5 साल जारी रहा ते आखिर 1433 च ओह मारिया गया। 15वीं सदी च जदों तैमूर आया
उन्हें दिल्ली तो मुल्तान तक सारा इलाका उजाड़ता। फिर राजपूत भट्टियां का जोड़ पकड़ गया पटनेर तो टोहाने तक। रेगिस्तान ने भी दिल्ली मुल्तान की राह औखी करती। फिर यही राह रह गया बठिंडा वल। ता अकबर की हकूमत बैरम खान का विद्रोह सारा धन दौलत ते परिवार बठिंडा दे जगीरदार शेर मुहम्मद दीवाने दे हवाले करता। खुद अगा वध गया ते इधर शेर मुहम्मद उन्हें की कीता कि यही सारा कुछ धन दौलत वगैरह अकबर दे हवाले करता। थोड़ा ही वक्त गुजरिया सी कि बैरम खान भी हार गया। खैर वक्त अगे गुजरता गया ते दो सदियां लंघ गईयां। फिर सरदार आला सिंह का कब्जा, उही कब्जा 1948 तक रहा। अज भी शानो शौकत दे नाल खड़ा है पंजाब का मुकट किला बठिंडा।